दोस्तों अगर आप पैसा छापने की मशीन नहीं देखे हैं तो आज की वीडियो देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा लाइव कि कैसे पैसा छापा जाता है और किस तरह से पैसा छापा जाता है, कौन सी वो मशीन है। और दोस्त मैं अभी यहाँ पहुँचा हूँ हेलो डिस्पोजल मुजफ्फरपुर में, और पैसा छापने की जो मशीन जिसके विषय में मैंने आपको बताया, सर बताएंगे। सर ने हमको बोला कि आज आपके दर्शकों को पैसा छापने की मशीन दिखाएंगे। तो सर कहाँ है आपकी मशीन जो पैसा छापती है? आपके कैमरे के सामने जो लाइव दिख रही है यही मशीन है कि पैसे छापती है? कह रहे हैं कि पैसे छापने की मशीन है, तो कैसे छापेगी ये मशीन, कैसे लोग पैसे इसे कमाएंगे? ऐसा नहीं है कि आप मशीन खरीद लिए और मशीन रख ली के सो जाइएगा तो पैसा छाप लीजिएगा। पैसा छापने के लिए जो है आपको कर्म करना पड़ेगा, ठीक है। जिस तरह आप किसी भी काम को करने के लिए मेहनत करते हैं, तो इस मशीन को अगर आप चलाते हैं, मशीन चलाकर और इसके प्रोडक्ट को अगर आप सेल करते हैं, तो बिल्कुल पैसा छाप लीजिएगा। ये कौन सी मशीन है सर, काम क्या करती है, कंप्लीट जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। इस मशीन का नाम हुआ पेपर प्लेट लेमिनेशन मशीन, जो कि बहुत सारे लोगों को देखते होइएगा या बहुत सारे चैनल पे, बहुत सारे कंपनी जो है आपको यूट्यूब पे जो है 99% जो वीडियो होता है वह कहीं ना कहीं मशीन मैन्युफैक्चरिंग का होता है, मशीन ट्रेडिंग का होता है, चाहे जितने तरीके का हो, लेकिन रॉ मटेरियल का वीडियो आपको 1-2% ही देखने को मिलेगा। तो सर आप तो मशीन पर डील करते हैं, तो फिर रॉ मटेरियल देने की क्यों सोची और इस तरह के मशीन लगाने की क्यों सोची आपने? बिल्कुल, देखिए बहुत हम तो मशीन देते थे, रॉ मटेरियल भी साथ में देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक दो प्लांट लगा हुआ अभी था। इन बहुत सारे लोग ऐसे भी करते थे कि मशीन भी देते थे और मटेरियल पे कहीं ना कहीं लूट मचा रखे थे रेट में, ठीक है। तो हमारे जो भी व्यूअर जाते, हमारे जो भी कस्टमर मटेरियल लाने जाते थे, उनको ना वहाँ पे रिस्पेक्ट मिल पा रहा था और ना सही रेट मिल पा रहा था, और सही समय पे जो है सही माल नहीं मिल पा रहा था। अब सही माल के माने में हो गया कि अगर आपको चाहिए 13 इंची का तो आपको 12 इंची अवेलेबल आता था, आपको 7 इंची की चाहिए तो 6 इंची अवेलेबल आता था। तो उस सब बहुत सारे कस्टमर ही बोले कि भैया मशीन आपसे लिए हैं तो मटेरियल कहाँ से लेंगे। ये सब चीज़ देखते हुए जो है हमने मटेरियल का भी काम शुरू कर दिया। यानी कि अब जो भाई यहाँ से आपके यहाँ से पेपर प्लेट की मशीनें लेंगे, तो रॉ मटेरियल के लिए उनको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं भटकना पड़ेगा। और जो भाई मेरे यहाँ से मशीन नहीं भी लेते हैं, उनको अगर मटेरियल में परेशानी है तो बेहिचक आ जाए, जिस कलर, जिस डिज़ाइन, जिस साइज में चाहिए उनको हम अवेलेबल करा देंगे, वो भी मार्केट से सस्ते रेट पर। क्वांटिटी की बात करें तो कितना तक आप अवेलेबल करा देंगे सर? आपको जितना माल चाहिए उतना अवेलेबल कराएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं, वीडियो में भी दिखाते हैं कि भैया स्टॉक है, ट्रक स्टॉक है, तो मेरे यहाँ स्टॉक इसलिए नहीं हो पा रहा है कि अभी सीजन भी है, डिमांड भी ज़्यादा चल रहा है। आपको दो टन, 4 टन, 5 टन जितना चाहिए 1-2 दिन समय लगेगा, आपको हम अवेलेबल करा देंगे। कुछ अब वैसे लोगों के लिए मैं कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं सर, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उतरना चाहते हैं, तो बताइए सर कि पेपर प्लेट बिजनेस में या डिस्पोजेबल आइटम के जो बिजनेस है, इसमें क्या भविष्य है? इसका भविष्य जो है कभी भी अंधकार में जा ही नहीं सकता है। एक समय था सर इसका अंधकार में चला गया था। अंधकार में चला नहीं गया था, लोगों के दिमाग में कहीं कुछ गलत अति मैसेज आ गया था, ठीक है। अंधकार जाने की बात नहीं है। आज के समय में जो है ना, मिट्टी भी का भी बिजनेस कीजिएगा तो उसमें भी लॉस नहीं लगता है, तो सही दिशा में करें, सही दिशा होना चाहिए। और ये तो पेपर प्लेट का बिजनेस है, इसमें अभी देख रहे हैं कोरोना काल के बाद इसमें इतना ज़्यादा उछाल आ गया कि सारे लोग जो है डिस्पोजेबल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। थर्मोकोल भी बैंड हो गया, उसके बाद जो है इसका कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल सर, जब से वो थर्मोकोल बैन हुआ है, इस तरह के बिजनेस या पेपर डिस्पोजल आइटम के बिजनेस में लगातार उछाल आ रहा है। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ एक चीज़ और है कि बहुत सारे लोग कहते हैं पेपर प्लेट भी बैंड हो जाएंगे, तो पेपर प्लेट बैंड तब होंगे जबकि इसका कोई ना कोई अल्टरनेट आएगा, विकल्प आ जाए इसका। हाँ, वही अल्टरनेट का मतलब कोई विकल्प आएगा, और विकल्प भी आएगा तो कोई रॉ मटेरियल ही आएगा, तो उसमें भी आपको लेमिनेशन की ज़रूरत होगी, उसमें भी पेपर प्लेट मशीन की ज़रूरत होगी। तो कितने पैसे से सर इस बिजनेस की शुरुआत हो सकती है, कौन कौन से मॉडल आपके यहाँ उपलब्ध है, उसके विषय में भी सर हमारे दर्शकों को बताइए। मेरे यहाँ मॉडल की बात कीजिए तो हम तो मशीन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप जिस मॉडल, जिस डिज़ाइन, जिस तरीके का मशीन चाहिए आपको हम असेंबल करके दे देंगे। मेरे पास 2-4 मॉडल हमेशा रहता भी है, अगर वह मॉडल आपको पसंद पड़ेगी तो आप हाथों हाथ भी लेके जा सकते हैं। अगर सर कोई शुरू करना चाहे तो उनके लिए बेस्ट क्रैंक वाली रहेगी या तो फिर हाइड्रोलिक वाली? देखिए दोनों मशीन अपने आप की बेस्ट है। बहुत सारे लोग कहते हैं क्रैंक वाली ऐसा है, हाइड्रोलिक ऐसा है, नहीं, हर मशीन को अपना कुछ ना कुछ जो है
प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको अपनी अहमियत उस मशीन की ज़्यादा होती है। अब क्रैंक वाले की बात करें, छोटा साइज अगर हमको बनाना हो 6 इंची 7 इंची 8 इंची आपको 4.5 इंची 12 इंची तक अगर बनाना है तो हाई स्पीड मशीन क्रैंक वाली ही होती है। हाइड्रोलिक में नहीं हाई स्पीड होता है? हाई स्पीड है, हाइड्रोलिक का एक स्पीड जो होता है फिक्स होता है, क्रैंक वाली जो है इससे आप क्वालिटी भी निकाल सकते हैं और हाई स्पीड प्रोडक्शन भी निकाल सकते हैं। अब हाइड्रोलिक का अपना है कि अभी ऑल इन वन मशीन भी है, ऑल इन वन का भी मेरे पास लगभग 5-7 मॉडल है 10 मॉडल है ऑल इन वन का हम बनाते हैं। गियर मोटर वाली भी है, चैन वाली भी है, रोल वाली भी है, बिना रोल वाली भी है, जो ऑल इन वन है कि एक मशीन से आप सारे काम तो कर सकते हैं लेकिन जितना ज़्यादा आपको प्रोडक्शन चाहिए, जिस हिसाब से प्रोडक्शन चाहिए उतना प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो कितने पैसे से आपके यहाँ मॉडल की शुरुआत होती है सर? मेरे यहाँ मात्र 35,000 रुपये से क्वालिटी वाली मशीन। हाँ, क्वालिटी वाली मशीन स्टार्ट होती है। और हाइड्रोलिक की अगर बात करें तो? हाइड्रोलिक अगर बात करते हैं, जैसे हाइड्रोलिक में आपको बहुत सारी होती है, ऑल इन वन मशीन भी होती है, रिंकल के लिए भी आती है, बफर के लिए भी आती है, तो मात्र 40 से 45 हज़ार रुपये से मेरे यहाँ 40,000 से भी स्टार्टिंग है और 45,000 से भी स्टार्टिंग है। 40-45 बता रहे हैं, इसमें क्या होगा, 40,000 में लोकल मोटर लगी हुई रहती है और 45,000 में जो है कहीं ना कहीं ब्रांड की मोटर लगी हुई रहती है, बस रेट का यही अंतर है। तो आप उससे रिंकल और बफर दोनों बना सकते हैं 45,000 के मशीन से। अच्छी बात है सर, आपने शुरुआत करवा दिया लोगों को। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल तो आपके यहाँ उपलब्ध हो जाएगा, जब वो आगे बढ़ेंगे तो इस तरह की अगर मशीन की अगर उनको ज़रूरत पड़ जाए तो क्या मशीन भी आप अवेलेबल करवा सकते हैं लेमिनेशन? बिल्कुल, मशीन भी हम बनाते हैं, जब वो आएंगे तो यहाँ देख लेंगे कि मेरे यहाँ लेमिनेशन मशीन भी बनता है, सीट कटर भी बनता है, आपको पेपर प्लेट का सारा चीज़ बनता है। आपको जो एक ही छत के नीचे आपको मटेरियल चाहिए, सर्विस चाहिए, स्पेयर पार्ट्स चाहिए, टेक्नीशियन चाहिए, जो भी चाहिए, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। सर यहाँ पर कुछ देख रहे हैं सर, बफर वाला भी आपके यहाँ सीट रखा हुआ, तो क्या जो भाई हमारे बफर प्लेट का काम करना चाहते हैं तो वो भी रॉ मटेरियल आपके यहाँ से उपलब्ध हो जाएंगे? बिल्कुल, हम तो पहले भी बोल चुके हैं कि अगर मशीन हमसे नहीं भी लिए हों तो बेझिझक वह आकर मटेरियल ले सकते हैं, क्योंकि मेरा बिजनेस है, मेरा काम है, और मेरा काम है मटेरियल उपलब्ध कराना, आपको स्पेयर पार्ट उपलब्ध कराना, आपको डाई हीटर जो भी चीज़ चाहिए एट ए टाइम हम आपको उपलब्ध करा देंगे। मटेरियल भी चाहिए तो मार्केट से सस्ते दर पर इसकी गारंटी देंगे। जो भी आपके व्यूअर मशीन ले चुके हैं कहीं ना कहीं से मटेरियल ले रहे होंगे, तो एक बार वहाँ से रेट ट्राई कर ले, और दूसरी चीज़ जो है हमसे बात कर ले, हमारे टीम से बात कर ले, उनको रेट में अगर डिफरेंस लगता है तो आप वो आसानी से ले जा सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि हमारा कोई भी मटेरियल है, बफर सील चाहिए, आप सामने में काउंटिंग करके ले जा सकते हैं, नो टेंशन। आपको रोल चाहिए, सामने में वेट करवा के ले जाइए, आपको उससे भी लग रहा है तो आप अपना वेट मशीन लेके आइए, सामने में वेट करवा लीजिए, तो भी रेट आपको सस्ती मिलेगी, इसकी गारंटी है। हर GSM में सर मिल जाएगा? हर एक GSM में मिलेगा। अभी जो बन रही है या 70 GSM की माल बन रही है, अभी जो देख रहे हैं या पेपर जो मशीन चला रहे हैं उनको पता होगा बंगलामुखी का पेपर है, जो कि फेमस पेपर है। हाँ, काफ़ी बढ़िया माना जाता है सर बंगलामुखी का। जो मशीन चला रहे हैं वो तो आते आते देखेंगे, पता चल जाएगी कहाँ की किस मिल का पेपर है। यानी क्वालिटी वाली रॉ मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, मशीनें भी क्वालिटी वाली प्रोवाइड करा रहे हैं, साथ ही अगर कोई भाई बंधु आगे बढ़े हैं, दो पैसा इसमें इस बिजनेस में कमा लिए, तो लेमिनेशन मशीन भी यहाँ से वो प्राप्त कर सकते हैं और हर तरह के रॉ मटेरियल यहाँ से उनको प्राप्त हो जाएगा। लेमिनेशन मशीन भी तैयार हो जाएगा, उनको मिल जाएगी, उनको लेमिनेशन किया हुआ रोल भी मिल जाएगा, उनको सीट कटर मशीन चाहिए वो भी मिल जाएगा, A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन उनको यहाँ मिल जाएगा, वो भी मार्केट से सस्ते रेट पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दिया है। तो दोस्तों आपने सुना, संपूर्ण समाधान यहाँ से आपको होने वाला है अगर आप डिस्पोजल आइटम के बिजनेस में उतरना चाहते हैं तो। यहाँ से आप क्वालिटी वाली मशीन परचेज कर सकते हैं, हर तरह के रॉ मटेरियल परचेज कर सकते हैं, भविष्य में अगर आपकी इनकम शुरू हो गई, ज़्यादा इनकम होना शुरू हो गया, ज़्यादा ऑर्डर आना शुरू हो गया, तो लेमिनेशन मशीन जो अभी सामने आप देख रहे हैं, रोला तैयार हो रहा है, तो इस तरह की मशीन भी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं और काफ़ी वाजिब कीमत पर। और डिलीवरी की अगर बात करें तो पूरे इंडिया में कहीं भी कहीं से भी आप हो, आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे डाउट आज के वीडियो में क्लियर हो गए होंगे, तो इस तरह के और भी अपडेट जारी रहेंगे। दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए